नमस्कार दोस्तों, स्टार्स इन पॉलिट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुरेखा पुनेकर के बारे में, जो एक लावणी डांसर और सिंगर है। उन्हें प्यार से लावणी समृद्धनी के नाम से भी बुलाते हैं। उनका जन्म 29 नवंबर 1978 को पुणे में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। सुरेखा पुनेकर घर का खर्च चलाने के लिए एक मेड भी रह चुकी है। वो बचपन से एक डांसर बनना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने 8 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया और डांस करना शुरू कर दिया। अपने पहले शो के दौरान सुरेखा पुनेकर ने केवल 3 ही दर्शकों के सामने अपना पहला डांस परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद 2011 में उन्होंने स्टेज शो नशिकची नार को डायरेक्ट भी किया। वो एक डांसर होने के अलावा एक सिंगर भी है। सुरेखा पुनेकर ने कई मराठी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पुणे लोकसभा क्षेत्र सुरेखा पुनेकर को अपना कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन बाद में इस सीट पर मोहन जोशी को टिकट मिला। सुरेखा पुनेकर ने मराठी टीवी शो एकापेक्षा एक अप्सरा आली से डेब्यू किया। वर्ष 2019 में सुरेखा पुनेकर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस मराठी के सीजन 2 में शामिल हुई। तो चलिए अब बात करते हैं सुरेखा पुनेकर की हॉबीज के बारे में। तो उन्हें संगीत सुनना और ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स एंड पोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुरेखा पुनेकर से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स एंड पोर्ट के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।